अम्बालिका जी लीजिए लीजिए, ये मम्मी ठाकुर जी लीजिए 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 लीजिए। किस खुशी में? पत्नी मर गई क्या? नहीं नहीं, आपकी एक और भविष्यवाणी सच हो गई, बहुत बड़ी लॉटरी निकली है। लेकिन हमने तो तुम्हें दूसरी बार कोई नंबर बताया ही नहीं। कितने की लॉटरी? 2 लाख? नहीं 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 नहीं, इस बार मेरी सासू माँ निकल गई। मर गई वो? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इस बार मेरी सासू माँ अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करके तीर्थ यात्रा पर निकल गई। आपकी कही एक और भविष्यवाणी सच हो गई। मिठाई खाइए। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबू की सास चली गई। हे भगवान, उसका मतलब अमृता की माँ के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा, हे प्रभु मेरी नन्ही सी जान पर कुछ तो तरस खा। मैंने अमृता की माँ के बारे में जो कुछ भी कहा है वो गलत करते, लेकिन अम्बालिका तुम्हारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अमृता काफी दिनों से मेरे पास नहीं आई, ये भगवान उसे कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? मुझे उसका भविष्य देखना होगा, मुझे फिर से उसका भविष्य देखना होगा। लेकिन लेकिन कैसे? जब तक मैं उसका स्पर्श नहीं करती मैं। एक तरीका है, अगर मैं उस वस्तु को स्पर्श करूं जिसे अमृता ने कभी स्पर्श किया हो। यही है कि अमृता बाहर क्यों नहीं निकल के आ रही है? गलत खिड़की में मैंने, ओह अम्बालिका कभी तो गलती से सही काम कर दिया करो। एक बार और कोशिश करती हूँ। ये जल्दी नीचे आना, मुझे कुछ बताना है। पागल लड़की, एक तो आधी रात को घर के शीशे तोड़ रही है और ऊपर से भागने की बजाय मुझे इशारा करके नीचे बुला रही है। ठहर, अभी बताती हूँ मैं तुझे। रुकना हुई, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने शीशा क्यों तोड़ा? कमरे का शीशा नहीं तोड़ती तो क्या घर की घंटी बजा के तुम्हें बुलाती? हमें बुलाती? अरे मैं तो तुझे जानती तक नहीं। रोज मेरे पास आती हो, अम्बालिका ये बताओ अम्बालिका वो बताओ, पर आज कह के तो मुझे पहचानती नहीं हो। दिमाग तो नहीं खराब हुआ तेरा? मैं तो तेरी आज तक शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें भी नींद में चलने और भूलने की बीमारी है बिल्कुल मेरी तरह ना। ठीक है, वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुमने आज ये बुढ़िया का वेश क्यों लिया है? तुम जवान काफी अच्छी लगती हो। देखो दूर से बात किया करो, अच्छा लगता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुम अपनी माँ को जलाने वाली हो। हे भगवान, अरे पागल लड़की, हमारी माँ सा को मर के काफी वक्त हो चुका है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने उन्हें जलाया तो नहीं है ना, संभाल के रखा ना, तो तुम अब उन्हें जलाने वाली हो। पागल कहेगी?
हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब किसी इंसान का देहांत होता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसे संभाल कर नहीं रखते। हाँ तो इंसानों में ना, मगर तुम तो ऐसे इधर उधर घूम घूम के क्या देख रही है? हाँ? अरे बहुत ही कहा है, पकड़ो इसको। अरे अरे कीड़ा पड़ा है तेरे सर में, काश तोड़ लिया करके। पागल ही तो मैं कि रात को उठ के नागिनों को बचाने आ गई। वो बूढ़ी नागिन, वो तो मुझे खा रही। बालिका मालिका, तुम इतनी रात को मेरे घर में क्यों आई थी? मैं क्यों आई थी? वो क्या है कि क्या है तू कि तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, वो इसीलिए मैं अपनी नींद में भूल के तुम्हें देखने आ गई। मुझसे मिलने की इच्छा? वो दो दिन हो गए ना, इतनी देखने की आदत पड़ गई कि तुम्हें देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती, इसीलिए आ गई मैं यहाँ पे। लेकिन तुम तो मुझसे डरती हो ना? डरती हूँ, पहले भी डरती थी, अब भी डरती हूँ, हमेशा डरूंगी। लेकिन क्या ना कि तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती, मतलब मैं इसीलिए रात को अपनी नींद भूल गया। अम्बालिका सच सच बताओ, क्या कहने आई थी तू? मैं कैसे बताऊँ, तुम तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, उनके बारे में अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया ना तो तुम तो मुझे पक्का डसोगी। क्या सोच रही हो अम्बालिका, बोलो ना क्या कहने आई थी तुम? मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए मैं आ गई। तुम बोलती हो या नहीं अम्बालिका? बोलो अम्बालिका। मैंने फिर से देखा कि तुम अपनी माँ को जलाने वाली हो। अम्बालिका ये क्या कह रही हो, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ, सब कुछ। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई भी शक्ति मुझसे मेरी माँ की शरीर नहीं जला सकती। दोबारा कभी ऐसी बात मत करना, मत करना ऐसी बात। पिताजी घर पर हैं? नहीं, पिताजी तो घर पे नहीं है। ठाकुर साहब को कहिएगा कि सरोज दीदी के भाई साहब मोहन सिंह जी का एक्सीडेंट में दो दिन पहले देहांत हो गया है। सारे सांप आप ही की तरफ है। क्या बात है, क्या बॉल मारी है। छोटे मोटे शिकार का तो हमें शौक ही नहीं। अम्बालिका सही कह रही थी, शिव वही आदमी है जो मोहन मामा साहब के पेश में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर अम्बालिका की ये भविष्यवाणी सच हुई तो दूसरी भी। तुम एक लाल पोटली में रखी नाक को जलाने वाली हो।